बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है AB3। दोनों टॉपिक्स जो हैं ये रिलेट करते हैं वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, जिसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। आइए देखते हैं। AB3 जो है इसके बेटे दो केसेस हैं। एक को बोलते हैं AB3 विद नो लोन पेयर और दूसरी हमारे पास है AB3 विद वन लोन पेयर। जब हम ये कहते हैं AB3 विद नो लोन पेयर, तो उसका जो लुईस डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनेगा वो कुछ ये बनेगा। ए, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अरेंज किए जाएंगे। ए सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हैं और ये तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसी भी दूसरे एटम, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी से। जब भी AB3 विद नो लोन पेयर आए, ऑलवेज शेप ट्राइंगुलर प्लेनर होगी। एंगल जो है इसमें 120 डिग्री का होगा और रिपल्शंस इसमें कितनी होंगी, एक ही, और वो कौन सी है, बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन। क्लियर हो गया। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं हमने लिखी हुई, BF3, AlCl3 और SO3। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वेस्पर थ्योरी जस्ट रिलेट करती है किसके साथ, वेलेंस शेल के साथ। अब यहाँ पे देखें, दिस इज दी बोरॉन, BF3 का एक मॉलिक्यूल है। ये बात याद रखें स्टूडेंट्स कि हमारी डिस्कशन जब भी होगी वेस्पर थ्योरी में, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जस्ट शेप आपने बनी हुई है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। बोरॉन तीन बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ये है, इसके वेलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। वेलेंस शेल जब भी आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो वेलेंस शेल हमेशा से ही सबसे बड़ा डिजिट होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, दो। तो हमारे पास वेलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन 2px में क्या पड़ा हुआ है, अनपेयर। 2s में इलेक्ट्रॉन क्या पड़े हुए हैं, पेयर्ड। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इट मींस बोरोन कितने बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ एक। और हम कितने बॉन्ड्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तीन बॉन्ड्स की, एक दो और ये तीन। आप क्या करेंगे, इस 2s में से इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे 2pz में, इसी शेल में रहेगा, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब चला जाता है तो ये बन जाया करती है ये वाली स्टेट, इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। अगर आप इस एक्साइटेड स्टेट में देखें, तो हमारे पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो चुके हैं, तीन। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन। चूंकि वेस्पर थ्योरी रिलेट करती है वेलेंस शेल से, हमने तीन बॉन्ड बनाने हैं, तो इसके नीचे आप एक बॉक्स बना लें, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बॉक्स। आपने तीन बॉन्ड बनाने थे, तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, क्या वेलेंस शेल में कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर है नहीं। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीन। तीन कहाँ से आया, वेलेंस शेल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो टोटल डिजिट बना बेटे थ्री। अब आप देखें, यहाँ से टाइप हम जो है वो निकाल लेते हैं, आपको कहीं और से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप AB3 विद नो लोन पेयर। जब आपके पास टाइप AB3 विद नो लोन पेयर आ गई,
ऑटोमेटिकली आपके जहन में तीन चीजें जो है वो आनी चाहिए। वो कौन कौन सी तीन चीजें हैं? शेप क्या होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर, एंगल कितना होगा 120 डिग्री, और रिपल्शंस कितनी होंगी, एक ही। तो सबसे पहले हमारे पास लुईस मॉडल, हमारे पास दिस इज बोरोन, इसके इर्द गिर्द उसी तरह का जो है वो डॉट एंड क्रॉस बनेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपके पास क्या बनेगा, बी, यहां पे बेटे एफ एफ। अब यहां पे देखें शेप क्या बनी, वही शेप जो आपके पास ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, छे बनी ट्राई एंगुलर प्लेनर। अब यहां से लेकर यहां तक का बेटे एंगल कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री का, कितना होगा 120 डिग्री का। अब यहां पे चूंकि लोन पेयर तो कोई नहीं है, तो रिपल्शन सिर्फ इस बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर पे है। तो अगर आपसे कोई पूछे जी हाउ मेनी रिपल्शंस, तो आपने कहना है रिपल्शंस कितनी है, सिर्फ एक ही, बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर पे है रिपल्शन। ये तो आपके पास आ गया BF3। सिमिलरली AlCl3 है, आप SO3 को जरा डिस्कस करें। हमारे पास दिस इज दी मॉलिक्यूल ऑफ SO3, अगेन स्ट्रक्चर बेटे सामने है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर में भी मैंने ये कहा था आप चेक करें सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, ऊपर वाला बना रहा था तीन, यहां पे भी हमारे पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, सेंट्रल एटम कितने बना रहा है, छह, कितने बना रहा है, छह। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर चाहिए, छह ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर चाहिए। ये हमारे पास सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन चेक कर लें, 2 जमा 2 चार, 6 चार 10, 12 14 15 और ये 16। याद रखें हमारे पास इसमें 3dxy 3d पूरे का पूरा पड़ा हुआ है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं जी हमारा वेलेंस शेल कौन सा है। लाइक दैट ऊपर मैंने बताया वेलेंस शेल सबसे बड़ा डिजिट होता है। अब आप यहां पे देखिए, जब हम ये कहते हैं सबसे बड़ा डिजिट है, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, थ्री। अब थर्ड शेल में देखें इलेक्ट्रॉन अनपेयर कितने हैं, एक 3pz में इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़ा है, एक 3py में इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़ा है। अब आपने करना क्या है, हमने बनाने हैं बॉन्ड बेटे छे, तो आपको इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर कितने चाहिए, छे ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन पहले यहां पे प्रमोट होगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, इस वाले शेल में। तो हमारे पास ये है ग्राउंड स्टेट, ये हमारे पास कौन सी स्टेट बनने जा रही है, एक्साइटेड स्टेट, 1s2, 2s2, 2p6, 3s में एक इलेक्ट्रॉन हो गया है क्योंकि ये आगे प्रमोट हो चुका है 3dxy3dyz में, 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3px एक इलेक्ट्रॉन, 3py, 3dxy, 3py, 3pz, 3dxy, 3dyz। बाकी हमारे पास जो थ्री के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या पड़े हुए हैं, खाली। अब आप चेक करें कितने बॉन्ड बनाने थे, छह, 1 2 3 4 5 6,
क्या 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, बॉन्ड कितने बनाने थे? 6 ही। आपको याद होगा डबल बॉन्ड, वेस्पर थ्योरी में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता होता किसको, ज्योमेट्री को। ये हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी डबल बॉन्ड हमारे पास, एक डबल बॉन्ड, ये 2, 3, तो हमने जितने डबल बॉन्ड हैं, जितनी मल्टीप्लीसिटी है दो एटम्स के दरमियान, उतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर करके छोड़ देने हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड ये है मल्टीपल 2, 3, तो हमने यहाँ से 3 ऑर्बिटल्स ये छोड़ दिए। इनके नीचे क्या लिखेंगे आप? इनके नीचे लिखेंगे आप दीज अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन डबल बॉन्ड। फॉर्मेशन। तो फिर जो बाकी वाले 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं वैलेंस शेल के, ये एक्सप्लेन करेंगे ज्योमेट्री को। अब आप इसके नीचे बॉक्स बना ले, वही लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बॉक्स। क्या वैलेंस शेल में कोई लोन पेयर नजर आ रहा है? जवाब है नहीं। तो आपने यहाँ पे लिखना है 0। बॉन्ड पेयर कितने? 1, 2 और ये बटे 3। अब आप देखें आपकी टाइप जो है वो डिस्कस हो गई है। ये बनी AB3 विद हाउ मेनी लोन पेयर? नो लोन पेयर। जब आप ये कहेंगे AB3 विद नो लोन पेयर, तो आप ऑटोमेटिकली इस जगह पे आ जाएंगे। अब आपने क्या बनाना है? लुईस डॉट एंड लुईस मॉडल डॉट एंड क्रॉस, इसको सामने देख के बनाना है। ऊपर 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं, ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन के जरिए आया। सेम इधर। अब आप चेक कर लें हमारे पास जो नेट रिजल्ट आया वो क्या आया। ये हमारे पास नेट रिजल्ट आया, शेप क्या बनी? ट्राइएंगुलर प्लेनर। एंगल कितना बना? तो वो एंगल बना 120 डिग्री। और रिपल्शंस कितनी है? बेटे 1 ही, और वो कौन सी है? बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर पे। क्लियर। अब आते हैं AB3 विद वन लोन पेयर। जब हम AB3 विद वन लोन पेयर को डिस्कस करेंगे, तो इसका जो मॉडल है लुईस मॉडल, लुईस डॉट एंड क्रॉस, ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास है ए सेंट्रल एटम है, ये इसका लोन पेयर गया। हमारे पास क्या चीज बनेगी? बेंट फॉर्म बनेगी। ए इस लोन पेयर की इन बॉन्ड पेयर पे क्या आ जाएगी? रिपल्शन। तो रिपल्शन पहले कितनी हो गई? 2। एक तो बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर पे है, दूसरी रिपल्शन कौन सी होगी? लोन पेयर की बॉन्ड पेयर पे। तो रिपल्शंस कितनी आ जाएंगी? 2। पहले AB3 में एंगल कितना था? 120 डिग्री, लेकिन इसकी वजह से एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन। तो हमारे पास शेप क्या बनी? शेप बनी बेंट। हमारे पास एंगल कितना होगा? लेस देन 120 डिग्री। रिपल्शंस कितनी होंगी बेटे? 2। लोन पेयर की बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन 1, दूसरी होगी बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर पे, ये रिपल्शन होती ही होती है। अब आ जाए जी इसकी कोई मिसाल सर जो है वो प्रोवाइड करें। हमारे पास SnCl2 है, SO2 है, एटस्ट्रॉ, ये हमारे पास मिसाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको डिस्कस कर लेते हैं? SN को। SN का एटॉमिक नंबर होता है बेटे 50।
SnCl2 का स्ट्रक्चर सामने है, उसके बाद हमारी एक्सप्लेनेशन होगी। ये स्ट्रक्चर है। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, उसके बाद आ जाएगा 4d10, फिर आ जाएगा 5px, 5py और ये Zb आएगा। अब चेक कर लें इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल। यहां से लेकर यहां तक बेटे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां से लेकर यहां तक 10, 10, 6, 2, 10 और यहां से लेकर यहां तक भी 2। 10 जमा 10 20, 30, 36, 38, 48 और 2 50। हमारे पास टोटल कितने हो गए 50 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले देखें स्टेनस में वेलेंस शेल कौन सा है, तो आपका ऑटोमेटिकली जवाब होगा सबसे बड़ा डिजिट, और वो कौन सा है बेटे 5। एक ये हमारे पास है, तो हमारे पास 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है यानी ये पेयर्ड है, 5px में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, 5py में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटे अनपेयर। तो हमने बॉन्ड कितने बनाने हैं 2। क्या ग्राउंड स्टेट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर अवेलेबल हैं वैलेंस शेल में, तो इसका आंसर है यस। अब आपने क्या करना है जस्ट अरेंज कर ले, पीछे से सारी कॉन्फ़िगरेशन वही लिखें, लास्ट पे आ जाएगा आपके पास 5s2, 5px। सिर्फ इसको ये एक्साइटेड स्टेट नहीं है, सिर्फ रीअरेंज किया है मैंने ताकि आपको वैलेंस शेल का पता चल जाए। इसके नीचे आपने बॉक्स बना लेना है। जब आप बॉक्स बना लेंगे तो हमारे पास देखें दिस इज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। मैंने ये बॉक्स इसलिए बनाया, मुझे 2 बॉन्ड बनाने थे, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ये 5px में 1 इलेक्ट्रॉन और 5py में 1 इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा हुआ है अनपेयर, तो एक लोन पेयर ये पड़ा है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2। ऑटोमेटिकली आपकी टाइप क्या बन जाएगी Ab3 विद हाउ मेनी लोन पेयर्स 1। उसके बाद की आपकी डिस्कशन बेटे कैसी बनेगी, ये बनेगी डिस्कशन, ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है स्टेनस एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर हो रहा है, ये बना SN, बाकी सारी चीजें यही आ जाएगी। शेप क्या बनी बेंट। रिपल्शंस कितनी होंगी बेटे 2, लोन पेयर की बॉन्ड पेयर पे 1, बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर पे 2। एंगल कितना होगा, इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये ऊपर है लोन पेयर, तो ये ऐसे एंगल जो है ये मेरी जो अगर आप इस हाथ को देखें तो ये ऐसे काम हो जाएगा, ये हमारे पास एंगल क्या होगा लेस देन 120 डिग्री। रिपल्शंस आपको ऑलरेडी पता है कितनी है 2 है। क्लियर होगी बात। ये हमारे पास हो गया अब हमारे पास है एक मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल है बेटे ये SO2, ये वाला मॉलिक्यूल है सर सल्फर को, SO2 को डिस्कस कर दें तो मैं SO2 को डिस्कस जरा कर रहा हूं, और से देख लें, मैंने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है आपको ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। सल्फर 16, तो हमारे पास नियोन तक की कन्फिग्रेशन हो चुकी है, मीन नियोन मीन होता है बेटे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। आगे है जी 3s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3px, 3py, 3pz, एक 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 15 हो गए और ये 16वां आ गया। याद रखें यहाँ पे हमारे पास 3dxy खाली पड़ा है, 3d पूरा ही खाली पड़ा है एंड सो ऑन। अब आते हैं इस सल्फर ने बॉन्ड कितने बनाए हैं बेटे 4। हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3pz में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़ा है
और 3p y में एक इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा हुआ है, अनपेयर। तो आज जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास है सिर्फ दो, तो बॉन्ड भी कितने बन सकते हैं, दो। अब आप क्या करेंगे, ये px से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके कहाँ पे ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट थी, अब कौन सी स्टेट बनेगी, एक्साइटेड स्टेट। 3s इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 3px में एक इलेक्ट्रॉन, 3py में एक इलेक्ट्रॉन, 3pz में एक इलेक्ट्रॉन, 3dxy में एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर px से ही इलेक्ट्रॉन क्यों प्रमोट हुआ, 3s में से क्यों नहीं हो सका। बड़ा सादा सा जवाब बेटे, s की एनर्जी क्या होती है, s में से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, px से इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर प्रमोट करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होती है, कम। तो इसलिए प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से पॉसिबल ज्यादा आसान, ज्यादा इजी है। अब आप देखें, आपके चार बॉन्ड बनाने थे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। हमारे पास डबल बॉन्ड कितने हैं, दो। तो आपने उतने इलेक्ट्रॉन, उतने ऑर्बिटल्स वेलेंस शेल से अनपेयर करके छोड़ देने। यहां पे नीचे मैं लिखने लगा हूं, दीज अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन डबल बॉन्ड। तो फिर बाकी वाले ये क्या करेंगे, ये वाले दो, ये तीन ऑर्बिटल्स, ये एक्सप्लेन करेंगे बेटे ज्योमेट्री को। इसको आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉक्स बना ले, एक लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटे, दो। तो आपकी टाइप बनेगी AB3 विद हाउ मेनी लोन पेयर, वन लोन। इसको देख के इसकी शेप जो है वो बना लें, जैसे मैं बनाने जा रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो बॉन्ड बनाने हैं तो दो इलेक्ट्रॉन शो कर दें। उससे नेक्स्ट बेटे फिर ये शेप जो है वो बन जाएगी। एंगल कितना होगा इसमें, लेस देन 120, और रिपल्शंस कितनी होंगी, दो। क्लियर?